वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एंग्री बर्ड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि यहाँ पर पिक कैसे आ सकते हैं और हम अपने एंग्री बर्ड की मदद से उसे कैसे कोलाइड करवा सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे तो इस बार मैंने एक ब्लॉक भी ऐड किया है और जो हमारा पिक है वो इस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और जब मैं अपने एंग्री बर्ड से इसे कोलाइड करवाऊँगा, सॉरी चुप गया, जब मैं इसे अपने एंग्री बर्ड से कोलाइड करवाऊंगा तो ये जो ब्लॉक है वो रैंडम पोजीशन ले लेगा और जो हमारा पिक है वो ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा। एक और बार कोलाइड करवाता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं पिक रैंडम पोजीशन ले लेता है और ये पिक सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं होता, आगे पीछे भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसे कैसे बनाते हैं ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने लास्ट वाले ऐप को ओपन कर लीजिए जहाँ पे हमने छोड़ा था। उस वाले ऐप की AIA लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वाले ऐप की तो AIA लिंक दे ही दूंगा। तो आप इसे ओपन कर लीजिए। अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले उसे देख लें और उसके बाद इस ट्यूटोरियल पर आएँ। मैं आपको लास्ट ट्यूटोरियल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सबसे पहले हमें सॉरी ये मैंने दूसरा ऐप खोल लिया, ये वाला नहीं था, मैं राइट ऐप से सही वाले ऐप को ओपन कर लेता हूँ और ये वो वाला हमारा ऐप है जिसे हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था। तो आप इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस ऐप की AI लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ड्राइंग एंड एनिमेशन में जाने के बाद एक इमेज स्प्राइट को ड्रैग करना है और स्क्रीन पर ड्रॉप कर देना है। उसके लिए स्क्रीन हमारे मैंने इसे कनवास पर ड्रॉप किया है, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने क्या क्या किया था इस ऐप में। उसके बाद जो मैंने इमेज स्प्राइट अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करी है उसकी एक पिक्चर हम अपलोड कर देंगे। चूज फाइल में जाके ये एक स्क्वायर मैंने गूगल की इमेज से डाउनलोड किया है और आप भी कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। इमेज को ड्रॉप होने के बाद हमें अपने प्रॉपर्टी सेक्शन में कुछ नहीं करना, हम सब कुछ ब्लॉक सेक्शन में करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, सबसे पहले हम इस ब्लॉक की हाइट और विड्थ को चेंज करेंगे। मैं डिजाइनर में जाने के बाद इसे इमेज स्प्राइट 1 को मैं रिन्यूम कर देता हूँ ब्लॉक स्प्राइट और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ताकि मुझे पहचानने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं अपने ब्लॉक की विड्थ और हाइट को सेट करूँगा। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे जब मैंने ऐप स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो जितने पिक की हाइट और विड्थ थी उतनी ही ब्लॉक की भी हाइट और विड्थ थी, लेकिन बाद में ये चेंज होती है। तो उसके लिए मैं जो पिक स्प्राइट डॉट विड्थ है इसे डुप्लीकेट करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा और इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और पिग स्प्राइट की जगह कर दूंगा ब्लॉक स्प्राइट डॉट विड्थ और उसके बाद हाइट को भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा और यहाँ से इसे कर दूंगा ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट। जितनी हमारी पिक की हाइट और विड्थ है उतनी ही स्टार्टिंग में, मैं दोबारा बोलूंगा, स्टार्टिंग में ब्लॉक की हाइट और विड्थ भी उतनी ही रहेगी। उसके बाद हम ब्लॉक स्प्राइट का एक्स और वाई को सेट करेंगे और मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ पिग स्प्राइट के एक्स और वाई को। पिग स्प्राइट के एक्स और वाई को कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से ड्रैग करके मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ और ये एक्स आ गया मेरे पास और वाई के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा पिग स्प्राइट के वाई को और यहाँ से कर दूंगा मैं ब्लॉक स्प्राइट एक्स और यहाँ से कर दूंगा ब्लॉक स्प्राइट वाई। आप देख सकते हैं कि जितना ही पिक का एक्स और वाई है उतना ही ब्लॉक का भी एक्स और वाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पिग है वो ब्लॉक के ऊपर आए, ना कि अगर मैं इन दोनों को सेम ही रखूंगा तो जो मेरा पिग है वो ब्लॉक के पीछे चला जाएगा और दिखाई नहीं देगा क्योंकि इनका वाई दोनों का सेम है। मैं अपने पिग के वाई को थोड़ा ऊपर रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पहले ब्लॉक स्प्राइट के वाई को ऊपर रखना पड़ेगा। ब्लॉक स्प्राइट के वाई को मैं पिग स्प्राइट के वाई के ऊपर रख दूंगा और अब मैं इसे पिग स्प्राइट वाई को यहां से लेकर डिलीट करूंगा। मैथ्स में जाने के बाद एक माइनस का साइन लूंगा
pig_sprite.y के आगे रख दूंगा। अब मुझे ब्लॉक स्प्राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से ले लेना है ब्लॉक स्प्राइट डॉट वाई। और माइनस में कर दूंगा मैं पिग स्प्राइट की हाइट। माइनस में इसलिए करूंगा क्योंकि मैं पिग स्प्राइट को ब्लॉक के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं माइनस कर दूंगा ब्लॉक स्प्राइट नहीं, पिग स्प्राइट की हाइट को मैं माइनस कर दूंगा, इसलिए पिग स्प्राइट डॉट हाइट यहाँ से मैं ले लूंगा pig_sprite.height। और इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉक की हाइट और विड्थ सेट कर दिया और एक्स और वाई, लेकिन जब मैं चाहता हूँ जब मेरा पिग बर्ड से कोलाइड करे, जब मेरा पिग बर्ड से कोलाइड करे तो जो एक जो मेरा ब्लॉक के हाइट है वो भी चेंज हो और ब्लॉक आगे पीछे भी हो, तो उसके लिए मैं ब्लॉक्स लिखूंगा। उसके लिए एक नया प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोसीजर में क्लिक करने के बाद प्रोसीजर टू डू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज ब्लॉक प्रोसीजर, इसका नाम दे देते हैं। और इस प्रोसीजर को हम कॉल करेंगे जब बर्ड के साथ कोलाइड होगा हमारा एंग्री बर्ड, तो उसके लिए मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाइट चेंज करवाऊंगा ब्लॉक की, उसके लिए सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट टू सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट टू, गलत गलत आ गया, इसे डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से लेना है सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट टू। मैथ में जाने के बाद एक इंटू का साइन दूंगा, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, और बर्ड स्प्राइट डॉट हाइट यहाँ से मैं लूंगा बर्ड स्प्राइट डॉट हाइट। और एक मैं चाहता हूँ कोई भी रैंडम हाइट को पिक कर ले, उसके लिए मैथ में जाने के बाद एक रैंडम इंटीजर फ्रॉम, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 to 4, जितने बर्ड की हाइट है उसके 1 to 4 में ही ब्लॉक स्प्राइट की भी हाइट रही। अब मैं ब्लॉक स्प्राइट के वाई को सेट करूंगा, सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट वाई टू सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट वाई टू। मैथ में जाने के बाद एक माइनस का साइन, फिर मैथ में जाने के बाद एक प्लस का साइन, और फिर मैथ में जाने के बाद एक मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये ब्लॉक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बेस से अपने बाइक को चेंज करवा सकूँ। कन्वर्स वन पे क्लिक करने के बाद, या फिर आप डायरेक्ट भी यहीं से ले सकते हैं, Convert1.height into में 0.5, तो आप इन दोनों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। Convert1.height into में 0.5, प्लस में बर्ड स्प्राइट की हाइट, प्लस बर्ड स्प्राइट डॉट हाइट, माइनस में ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट, माइनस में ब्लॉक स्प्राइट डॉट हाइट। ये हमारा ब्लॉक तैयार हो गया। अब हम ब्लॉक स्प्राइट के एक्स को सेट करेंगे, सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट एक्स टू सेट ब्लॉक स्प्राइट डॉट एक्स टू। मैथ में जाने के बाद एक डिवीजन का साइन लेंगे, एक डिवाइड का साइन, और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन। कन्वर्स वन पे
ये बात कैनवास 1 डॉट विड्थ, कैनवास 1 डॉट विड्थ, यहाँ से हम ले लेंगे कैनवास 1 डॉट विड्थ। और मैथ में जाने के बाद रैंडम इंटीजर लेंगे हम, रैंडम इंटीजर फ्रॉम, और मैं इसे कर देता हूँ 60 to 88, 60 to 88, एक्स जो है हमारा 60 से 88 तक रहेगा, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो मैथ में जाने के बाद एक जीरो ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जीरो की जगह 100। हम चाहते हैं कि जब हमारा बर्ड पिग के साथ कोलाइड करे, जब हमारा बर्ड पिग के साथ कोलाइड करे तब ये ब्लॉक का साइज चेंज हो। और इसी के लिए हाँ, जब हम ऊपर हमने प्रोसीजर लिखा हुआ था, हमने ब्लॉक लिखे हुए थे व्हेन बर्ड 1 डॉट कोलाइडेड विद पिग, तो यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा चेंज ब्लॉक प्रोसीजर, कॉल चेंज ब्लॉक। मैं इसे ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे पिग स्प्राइट का एक्स और वाई के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक्स हम डिलीट कर देंगे और ये वाला वाई भी हम डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो हमने इनिशियली एक्स और वाई को जो वैल्यू दी थी पिग स्प्राइट डॉट एक्स और पिग स्प्राइट डॉट वाई को, उसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे। लेकिन हम यहाँ से पिग स्प्राइट डॉट एक्स से ही ये वाला कॉपी नहीं करेंगे, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। पिग तो इसके लिए अभी हम सिर्फ पिग स्प्राइट डॉट वाई को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसे वहाँ पे ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पर हमें वाई की वैल्यू चाहिए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, और इसे हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं पिग स्प्राइट डॉट वाई को, क्योंकि हमने जो चेंज ब्लॉक का प्रोसीजर लिखा है उसमें हमने ये जो ब्लॉक है इसको ना सिर्फ ऊपर नीचे करवाया है, इसको हमने कोलाइड नहीं हुआ, ये इसको हमने कोलाइड होने के बाद आगे पीछे भी करवाया है, इस वजह से हमारी इस ब्लॉक की एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये ब्लॉक रेंडमली एक्स ले वही हमारा पिक भी एक्स ले ले। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लॉक का रेंडमली एक्स ले वही मेरा पिक भी एक्स ले ले, उसी के लिए मैं यहाँ से लूंगा ब्लॉक स्प्राइट डॉट एक्स, ब्लॉक स्प्राइट डॉट एक्स, और इसे यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। और अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। और ये ओपन हो चुका है, बिल्कुल सही ओपन हुआ है जैसा हम चाहते थे। और मैं अपने बर्ड से पिक को कोलाइड करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक की हाइट भी चेंज हो रही है और हमारा पिक भी ब्लॉक के ऊपर ही आ रहा है हर बार, और ब्लॉक ना सिर्फ आगे ऊपर नीचे ही हो रहा है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा होगा, आप देख सकते हैं आगे पीछे भी हो रहा है। और जो मैंने इस ऐप में जो ब्लॉक की ओरिजिन रखा है हाइट का, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल बर्ड के साथ में है, आप इसे थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैंने 0.5 लिखा है यहाँ पर मैंने इसे किया है कन्वर्ट बर्ड स्प्राइट डॉट वाई टू 0.5, तो आप इसे चाहें तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, आप इनकी हाइट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम बनाएंगे इससे भी बेहतरीन गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में, वेब डेवलपिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता रहूँगा कमाल की वीडियोज़। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।